जी पिछला वीडियो को आप इतना सारा प्यार दिए, इतना सारा मैसेजेस आए कि मुझे हेयर फॉल प्रॉब्लम सॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट बनाना ही हुआ, क्योंकि वीडियो को आधा छोड़ना गुनाह है, पाप है, और मैं तो बोलता हूं पाप का बाप है, और मेरे सामने पाप नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या क्या हेयर फॉल प्रॉब्लम सॉल्यूशन का आप पहला पार्ट नहीं देखे क्या जी? गर्म करके ठंडा छोड़ते हो। ऊपर आई बटन में पहला पार्ट का लिंक मिल जाएगा, पहले जाके वो देख के आइए। और बाकी सब भाइयों और नहीं, भाइयों और भाइयों के बहनों, शुरू करते हैं हेयर फॉल प्रॉब्लम सॉल्यूशन का चार साइंटिफिकली प्रूव्ड होम रेमेडीज। तो आपका हेयर फॉल प्रॉब्लम को करेगा झपांग झपांग। हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू दी होम हेल्थ बडी। चार होम रेमेडीज में से नंबर वन सबसे ज्यादा साइंटिफिकली प्रूव्ड एंड ऑल ओवर वर्ल्ड अप्रूव्ड है, जो दावा करते हैं हेयर फॉल प्रॉब्लम को बंद करके नया बाल उगेगा ही। इसीलिए मैं नंबर वन रेमेडी को वीडियो को एंड में रखा, मुझे भी व्यूज चाहिए भाई। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर फोर, ऑनियन जूस। ऑनियन जूस के अंदर होता है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जो आपका स्कैल्प एरिया को इन्फेक्शन से दूर रखता है और हेल्दी हेयर ग्रोथ में मदद करता है। ऑनियंस आर हाई इन डाइट्री सल्फर, अ न्यूट्रिशनल एलिमेंट आवर बॉडी नीड। हम लोगों का हेयर प्रोटीन जिसको केराटिन भी बोलते हैं, वो होता है सल्फर रिच। तो जब आप ऑनियन जूस को सर पे अप्लाई करते हो, तब ऑनियन जूस के अंदर मौजूद सल्फर आपका हेयर फॉल प्रॉब्लम को रोक के मजबूत और घने बाल बनाता है। ऑनियन जूस अप्लाई करने से आपका कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ता है, जिससे हेल्दी स्किन सेल्स एंड हेयर ग्रोथ होता है। इसके साथ ही साथ हेयर फॉलिकल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है, जिससे बाल झड़ना बंद होता है और नया बाल उगता है। तो इसे अप्लाई कैसे करें? ऑनियंस को थोड़ा टुकड़े में काट के मिक्सचर में डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना दीजिए। अब उस पेस्ट को हाथ से निचोड़ेंगे तो जूस निकल आएगा। आप इस जूस को सर पे लगा के अच्छे से मसाज करिए। एक घंटा रखने के बाद एक माइल्ड शैम्पू यूज करके इसको धो लीजिए। मेरा बहुत सारा दोस्तों का एक प्रॉब्लम है कि वो लोग का छोटे से उम्र में बाल सफेद होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको भी ये वाला प्रॉब्लम है तो ऑनियन जूस आज से स्टार्ट करिए। ऑनियन जूस के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बालों को सफेद हो जाने से रोकता है, साथ ही साथ डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी खत्म कर देता है। 2002 का एक स्टडी रिवील किया, जो लोग ऑनियन जूस से बाल धोए वो लोगों का ज्यादा हेयर ग्रोथ हुआ एज कम्पेयर टू वो लोग जो लोग पानी से बाल धोते। राहुल ननुमाचू, आई होप यू आर वॉचिंग। 3, फेनुग्रीक सीड्स एंड करी लीव्स। फेनुग्रीक सीड्स या मेथी बीज होता है रिच इन फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन के। इसके साथ ही साथ मिनरल्स जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन का भंडार है। साथ ही साथ इसके अंदर होता है लेसिटिन, जो बालों को हाइड्रेट करता है और बालों को जड़ को मजबूत बनाता है। अदर हैंड करी लीव्स के अंदर होता है एंटीऑक्सीडेंट, जो डेड हेयर फॉलिकल्स को निकल देता है। साथ ही साथ करी लीव्स होता है हाई इन बीटा कैरोटीन एंड प्रोटीन कंटेंट, तो हेयर लॉस एंड हेयर थिनिंग प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। इसको अप्लाई कैसे करें? गैस में कढ़ाई लो फ्लेम में बैठाइए। अब एक टेबलस्पून मेथी बीज एंड एक टेबलस्पून करी लीव्स डाल दीजिए। थोड़ा सौते करेंगे तो मेथी बीज और करी लीव्स ड्राई हो जाएगा। अब उसको थोड़ा मिक्सचर में डाल के ग्राइंड करेंगे तो एक पाउडर बन जाएगा। अब कढ़ाई में 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल डालिए। तेल जब गर्म हो जाएगा तब वो ग्राइंडेड पाउडर डाल दीजिए। कुछ देर बाद तेल थोड़ा ब्राउनिश कलर हो जाएगा, गैस ऑफ कर दीजिए। अब इस मिक्सचर को ठंडा होने का वेट करिए। एक बार ठंडा हो गया तो इसको हल्के से बालों में डाल के मसाज करिए। एक घंटे रख के शैम्पू कर लीजिए। आपको रिजल्ट कुछ दिन में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 2, एलोवेरा कोकोनट ऑयल। एलोवेरा बालों को हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड रखता है। एलोवेरा के अंदर होता है 96% पानी, पाया जाता है अ टाइप ऑफ प्रोटीन, जिसके अंदर हमारे बॉडी में पाया गया 20 अमीनो एसिड में से अच्छा ही रहता है। इसके अलावा भी इसके अंदर होता है विटामिन ए, बी, सी एंड ई। एलोवेरा बनता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, जिसको बोला जाता है एसिमिनन, जो न्यूट्रिएंट्स को कोश में पहुंचने में और उसको नरिश करने में मदद करता है। एलोवेरा के अंदर होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, डेड स्किन सेल्स को रिपेयर करता है और बालों के ऊपर एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। अदर साइड कोकोनट ऑयल के अंदर होता है लॉरिक एसिड, बालों का प्रोटीन को बांधने में और बालों के जड़ को टूटने से रोकता है। इसके साथ ही साथ कोकोनट ऑयल एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स और एक्सेस हीट से बालों को सुरक्षा देता है। तो इसको यूज कैसे करें? एक एलोवेरा को काट के उसके अंदर का जेल निकाल लीजिए। अब जितना एलोवेरा जेल निकला
उतने कोकोनट ऑयल पैन में डाल के गैस में बैठाइए। तेल गर्म हो जाएगा तब एलोवेरा डाल दीजिए। अपना ध्यान रखिए क्योंकि इस टाइम ऑयल छिड़केगा थोड़ी देर तक। जब वो एलोवेरा ब्राउन हो जाएगा गैस ऑफ करके तेल को स्ट्रेन कर लीजिए। अब तेल को ठंडा होने का वेट करिए। तेल ठंडा हो गया तो उसको अप्लाई करके जेंटली बालों को सर्कुलर मोशन में मसाज करिए। एक घंटा रख के माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। आपका बाल सॉफ्ट स्मूथ सिल्की रहेगा और बाल झड़ने से भी बचेंगे। वन इन माई लिस्ट इज ग्रीन टी। ग्रीन टी पीना सेहत के लिए अच्छा है। वेट लॉस, बॉडी डिटॉक्स, टैन रिमूव, बहुत सारा काम करता है ग्रीन टी। बट आपको क्या पता है, ग्रीन टी लगाने से सिर्फ बाल झड़ना बंद नहीं होता, नया बाल उगना भी स्टार्ट होता है। और सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा, न्यूज आर्टिकल्स प्रूफ है इसका। टेलीग्राफ इंडिया ने लिखा, ग्रीन टी DHT रिड्यूस करके, डैंड्रफ दूर करके हेयर लॉस रोकता है। और इसके अंदर मौजूद पॉलीफेनॉल बालों को जड़ को मजबूत बना के नया बल उगाता है। हेल्थ लाइन आर्टिकल में लिखा है, ग्रीन टी के अंदर मौजूद EGCG एक्सट्रैक्ट हेयर रिग्रोथ में हेल्प करता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, ग्रीन टी स्कैल्प एरिया का ड्राइनेस और डैंड्रफ दूर करता है और हेयर रिग्रोथ में मदद करता है। तो इसको यूज कैसे करें? सिंपली एक मुट्ठी भर ग्रीन टी कप में डाल के उसमें गर्म पानी डाल दीजिए। अगर आपके घर में ग्रीन टी का टी बैग्स है तो 2 टी बैग्स डाल दीजिए। आप स्ट्रेन करके ठंडा होने का वेट करिए। ठंडा हो गया तो बालों में लगा लीजिए। एक घंटा रख के सिर्फ पानी से धो लीजिए। कितना सिंपल है ना, ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगा और शैम्पू करने का जरूरत भी नहीं हुआ। रिसर्च दावा करता है अगर आप ग्रीन टी यूज हफ्ते में 2 बार 3 महीने तक करें तो आपका हेयर फॉल बंद होके नया बाल उगेगा ही। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें क्योंकि हेयर फॉल का प्रॉब्लम सबके घर में होता है। माय नेम इज दीपायन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।